Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our Biodiversity of Coded paper. In this video lecture, we are going to discuss about the hibernation and estivation in frog. So, what is hibernation and estivation? We will check out this in this video. So, before these terms, we should know that what does it belong to. So this are the type of dormancy. Now the next question arises in mind, that what is dormancy? So dormancy is a period when animal undergoes sleep. So it is a sleeping condition, we can say, but it is not a normal sleep. It is the condition in which metabolic activities of animal stops, or we can say it just slows down. Such a slower rate is there that animal almost feels like a dead. So what death dikhai deta hai, and this dormancy is a type of two. That is, first type is hibernation and second is estivation. So yahi humko dekhna hai, hibernation and estivation kya hota hai and how does it occurs in frog. So first of all, we will see the difference in between this hibernation and estivation. So comparison dekh lete hain. When we are talking about the hibernation, so hibernation is also called as winter sleep. So this is the long duration sleep as compared to the estivation. Yani dekhe to comparatively dono opposite hai. Hibernation mein winter sleep hogi aur estivation mein summer sleep hoga. Which means that animals become inactive or they just undergo dormancy in a winter season. And estivation में क्या होगा, summer season में वो dormancy adapt करेंगे. Longer duration hibernation का होगा, which means that it is a long process. ये क्यों हो रहा है? So warm body को warm रखने के लिए, internal damage से prevent करने के लिए, और low temperature को tackle करने के लिए, उससे बचने के लिए hibernation होता है. यानी जो एनिमल्स हैं वो डोमेंसी पीरियड में चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर सीज़न. और हाइबरनेशन किस में होता है? तो वो कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स दोनों में होता है. इट्स लाइक बैट्स, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स एक्सेट्रा. और एस्टिवेशन का कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये समर स्लीप है, तो यहाँ पे मॉइस्ट, कूल एंड जो शेडी प्लेस होगी वैसी प्लेस ढूंढते हैं एनिमल्स फॉर दे डोमेंसी पीरियड. और यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जाता है, इंटरनल बॉडी डैमेज जो होगा टेम्परेचर की वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए एस्टिवेशन होता है. यानी विंटर समर डोमेंसी होती है. एंड एस्टिवेशन जो होता है सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में होता है, वार्म ब्लडेड में नहीं होता है. अब वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? सो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे इनका जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता है, यानी चेंज होता है एज कंपेयर टू देयर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होंगे उनका जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, वो कॉन्स्टेंट रहेगा. दे डज नॉट चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. ओके, नाउ एस्टिवेशन और जो हाइबरनेशन है, जब हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, सो इन फ्रॉग्स, सो दिस हाइबरनेशन इज नथिंग बट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द हाइबरनेशन. सो और ये ऑन्टारियोस लेपर्ड फ्रॉग जो है, आई राइट डाउन द नेम हियर, ऑन्टारियोस leopard frog is there. So this frog is a type of frog which shows hibernation, which means that a winter sleep, yani it undergoes a sleeping condition during winter season. So ye actually hota kya hai, so it is present at the bottom oxygen rich water bodies, jahan pe wo top में आ जाते हैं. और ये जो मडी एरिया दिख रहे हैं, सो ये मडी एरिया पे, मड पे वो विंटर टाइम में जो है स्लीप या डोमेंसी पीरियड अपना कंटिन्यू करते हैं. और ऑन द टॉप ऑफ मड लेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंड वाटर गेट्स इनटू द स्किन. तो वो क्या करते हैं कि वो मड पे इसलिए बैठते हैं कि
वो मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे मड में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो उनकी स्किन के थ्रू उनके बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहे और द रेस्ट ऑफ देयर बॉडी सिस्टम स्लोज डाउन राइट डाउन एंड जस्ट दे वेट आउट फॉर द विंटर टू स्किप आउट. तो वो विंटर में क्या करते हैं कि जो मड्डी एरिया है, मतलब जो बॉटम जो है वाटर बॉडीज़ वहाँ पे रहते हैं बॉटम में वाटर बॉडीज़ के, तो वो क्या करते हैं ऊपर आ जाते हैं मडी एरिया में और वहाँ पे रेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द होल विंटर. एंड इस ड्यूरिंग इस टाइम में, इस जो पीरियड में है, उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है. और बेसिकली ये जो हाइबरनेशन है, यहाँ पे एनिमल जब विंटर में जब डोर्मेंट कंडीशन में जाते हैं तब वो क्या करते हैं कि जो फूड स्टोरेज है, यानी विच मीन्स दैट कि दे जस्ट ईट अप मोर एंड दे जस्ट गैदर अ फैट. वेट अ मिनट. सो दे जस्ट ईट लॉट एंड दे जस्ट गैदर एक्सेस फैट इन देयर बॉडी एंड देन दे अंडरगो विंटर स्लीप. So that the loss of food doesn't gain, which means that ये क्यों हो रहा है. So they do this for the shortage of food. जब food कम हो जाएगा, food कम मिलेगा winter season में, इस हिसाब से वो क्या करते हैं कि वो पहले ही बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और अपनी body में excess fat जमा करते हैं और फिर उसको use करते हैं ताकि वो जब winter sleep में जाएँ तब उनकी body में जो energy के लिए वर्क हो रहा है, यानी स्लो डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस हो तब भी उसमें एनर्जी तो लगेगी ही, तो तब वो एनर्जी वो यूटिलाइज कर पाए, इसीलिए वो एक्सेस फैट जमा करके रखते हैं अपने बॉडी में. सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ हाइबरनेशन. यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर सारा जो है स्नोफॉल हुआ है, रखा है, और उससे बचने के लिए यहाँ पे अनदर टाइप में क्या किया है इस फ्रॉग ने, एक होल डिग किया है, यानी अंदर ज़मीन में उसने एक बॉटम साइड पे एक डिग बनाया है, एक होल बनाया है, और फिर वहाँ पे वो रेस्ट करते हैं ड्यूरिंग होल विंटर. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एस्टिमेशन. तो एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन इज़ नथिंग बट द स्लीप ड्यूरिंग समर सीज़न. तो ये जो डेजर्ट एरिया में एनिमल्स होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, सो वो ये करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके. ओके जो है वाटर लॉस प्रिवेंट कर सके और जो फूड का शॉर्टनिंग होता है, शॉर्टेज होता है, उसको भी वो टैकल कर सके. इसीलिए ये समर सीज़न में डोमेंसी अडॉप्ट करते हैं, या डोमेंसिटी या स्लीपिंग पोजिशन में चले जाते हैं, स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं. सो द कैलिफोर्निया रेड लेग्ड फ्रॉग, कैलिफोर्निया रेड लेग्ड फ्रॉग्स आर द एग्जाम्पल और द फ्रॉग्स हु अंडरगोज समर स्लीप फॉर ओवरकमिंग द फूड स्केयरसिटी एंड वाटर लॉस. So what they do, they just have a short supply of water. Obviously in during or desert area में जो है वहाँ पे short supply होता है water का. So what they do, they just search out for a moist place and ऐसे प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे वो वाटर लॉस उनके बॉडी से ना हो. एंड वो क्या करते हैं, बेसिकली अपने आप को सॉइल में एक होल डिक करते हैं, वहाँ पे अपने आप को बरी कर लेते. बरी करना मतलब अपने आप को गाड़ लेना. वो वहाँ पे छुप जाते हैं, गड़ जाते हैं सैंडी एरिया में, वो वहाँ पे ग्राउंड में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वाटर टाइट म्यूकस जो है ककून सिक्रीट करते हैं वो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ताकि वो हॉट वेदर से, ड्राई वेदर से प्रिवेंटेड रह सके. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दिस फ्रॉग हैज़ डिग्ड इटसेल्फ अंडर द सॉइल. तो ये एक फोटोग्राफ है जहाँ पे आप देख सकते हो. और यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक म्यूकस सिक्रीशन अपनी बॉडी पे
सिक्रीट करते हैं, एक ककून जैसा, एक कवरिंग जैसा कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी बॉडी पे, जो उनके बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, उनको डिहाइड्रेट होने से बचाता है, और उनकी एनर्जी जो है ड्यूरिंग दिस टाइम वो सेव करते हैं। हियर यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व वन मोर दैट के वो थोड़ा वाटरी मडी एरिया जो है वहाँ पे उसने अपने आप को स्लीपिंग पोजिशन में डलाए या फिर एस्टिवेशन किया है बोल सकते हैं हम। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इन फ्रॉग्स। दिस पॉइंट एंड्स अप हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।